हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, अभी हम लोग जो है एसीएफ के लिए अपने एग्रीकल्चर के हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं और आज हम लोग जो है इसी क्रम में अपना एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है फसल चक्र। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है अभी एक और टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था फसल पद्धति, जिसको हम लोग जो है क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते थे। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों का उसी से रिलेटेड है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपका ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझना है। तो आप लोग जो है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और आपको ये जो वीडियो है पसंद आता है तो आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे चैनल से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है चलते हैं आज का अपने टॉपिक पे जिसका नाम है फसल चक्र। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग जो है क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़े थे जिसको हम लोग जो है सस्य प्रणाली के नाम से जानते थे। ठीक है, अब फसल को ही क्या बोला जाता है, सस्य बोला जाता है। तो उसमें क्या होता था, उसमें जो है एक ही लैंड पे जो है अलग अलग जो है फसलों को जो है लगाया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या हो क्या नहीं होता, आपका फसल चक्र में जो है एक ही फसल को एक ही भूमि पे जो है एक साथ लगाया जाना चाहिए, ये जो है कंपलसरी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक फसल को एक बार में फिर उसमें जो है क्या करते हैं, उसमें जो है फिर से बदल के हम लोग जो है दूसरी फसल को लगाते हैं। ठीक है, यदि मैं इसका डेफिनेशन बोलूं, इसकी परिभाषा की बात करूं, तो क्या होता है, फसल चक्र जो है किसी खेत में किसी नियत अवधि के लिए विभिन्न फसलों को फेर बदल करके लगाना। ठीक है, क्या क्यों लगाना, ताकि भूमि की उर्वरक क्षमता क्या रहे, बनी रहे और उपज में कोई महत्वपूर्ण कमी ना आए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों मैं इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था कि क्या होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, एक ही खेत में जो है एक ही भूमि में एक ही फसल को बार बार लगाते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, उस भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वह क्या होती है, वह जो है कम हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो उस भूमि में जो है एक निश्चित समय बाद में जो है फसलों को फेर बदल करके वहां पे लगाते रहते हैं, ताकि उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो क्या होती रहे, बने रहे। ठीक है, और क्या होगा, इससे जो है उसके जो है उपज में कोई कमी नहीं आएगा। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जो है फसल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब फसल चक्र क्या है, फसल चक्र जो है चयनित फसल प्रणालियों का क्या है, एक समूह है। फसल चक्र जो है चयनित फसल प्रणालियों का एक समूह है। मतलब क्या है, हम लोग जो है फसल प्रणाली को जो है क्या करते हैं, सस्य प्रणाली को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है चयन करते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि आपका जो है 3 से 4 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैं जो है ये करूंगा यार कि 3 से 4 साल के लिए जो है कोई फसल क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना एक सिस्टम तैयार कर लूंगा कि मेरे को जो है 3 से 4 साल में बस इसी फसल को बोना है और इस क्रम में बोना है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, यही जो आपका जो चक्र है वो जो चलता जाएगा, तो यही जो है आपका फसल चक्र कहलाएगा। ठीक है, और मोस्टली जो है हमारे यहाँ इंडिया में जो है क्या बनाया जाता है, 3 वर्षीय फसल चक्र जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये किसके आधार पे बनाया जाता है, यह जो है आवश्यकता, उपयोगिता और उत्पादकता के आधार पर जो है उस क्षेत्र विशेष के किन्हीं 3 फसलों को क्या किया जाता है, चुना जाता है। और फिर क्या किया जाता है, उसमें जो है सबसे पहला जो फसल रहेगा उसको जो है प्रथम वर्ष में, फिर उसके बाद फिर बचे हुए फसल को जो है दूसरे और तीसरे वर्ष में क्या किया जाता है, उसको लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यार मैंने क्या किया, जैसे मैं जो है यहाँ पे जो है कुछ फसल चुनता हूँ, जैसे सबसे पहले मैंने चुनाव किया धान का। ठीक है, धान के बाद में मैंने क्या किया, धान के साथ साथ मैंने जो है मक्का, गेहूं, चना, उड़द और मूंग, ये ऐसे फसल है जो क्या होगा, ये जो है मतलब मेरे खेत में यह जो है हो सकता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्रॉप रोटेशन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, एक फसल चक्र की तैयारी करूंगा जो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वर्ष में क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले धान लगाऊंगा। ठीक है, धान लगाने के बाद क्या करूंगा, इसमें मैं चाहूं तो फिर गेहूं भी लगा सकता हूँ।
ठीक है, उसके बाद फिर क्या करूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है जो कम समय में आपका जो खेती जो होता है जैसे उड़द का लगा दूंगा। अब उसके बाद फिर मैं दूसरे साल में फिर क्या करूंगा, दूसरे साल में मैंने सबसे पहले चलो ठीक है मक्के को लगा दिया, मक्के के बाद फिर मैं क्या करूंगा गेहूं की खेती करूंगा, उसके बाद फिर मैं मूंग की खेती करूंगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग जो है फसल चक्र तैयार करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है, इसका मुख्य सिद्धांत यह होता है कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाले फसल को बाद में, ठीक है चलो मतलब क्या बोल रहे हैं यार, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे अधिक पोषक तत्व चाहने वाले फसल को पहले लगाओगे। पहले हम लोग किसको लगाएंगे, अधिक पोषक तत्व चाहने वाले को, उसके जस्ट बाद में कम पोषक तत्व, जैसे मैंने बात किया था धान का, ठीक है। तो धान क्या है, धान जो है अधिक पोषक तत्व चाहने वाला पौधा होता है। इसके तुरंत बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसके तुरंत बाद मैं जो है चना की खेती कर दूंगा। चना की खेती करने का क्या यहाँ पे क्या रीजन है या फिर इसका जो है क्या महत्व है, आपको पता ही होगा कि धान में जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। और यह जो है चना, चने का काम क्या है, चना एक का है क्या है आपका एक दलहनी फसल है, जिसके जड़ की गांठ में जो है एक राइजोबियम नाम का एक जो है जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, जो नाइट्रोजन संचयी जीवाणु है, नाइट्रोजन को संचय करने का काम करता है। मतलब क्या होगा, जब हम लोग चना लगाते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी जो है जमीन में जो है वो जो है क्या दे देगा, चना जो है नाइट्रोजन का संचय करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो नाइट्रोजन है इसको जो है अगले बार में धान जो है फिर से इसको क्या करेगा, उपयोग करेगा, ठीक है। मतलब यही हुआ आपका, सबसे पहले हम लोग क्या किए, कम अधिक पोषक तत्व चाहने वाले फसल को लगाए, उसके बाद में फिर जो है कम पोषक तत्व चाहने वाले फसल को लगाएंगे। अब उसके बाद में और क्या बोल क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जो अधिक सिंचाई चाहने वाले फसल को लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कम सिंचाई चाहने वाली फसल को लगाएंगे। इसका रीजन क्या है कि जैसे हम लोग जो है सबसे पहले अधिक सिंचाई वाला जो है पौधा मतलब क्या लगा दिए, वहां पे पौधे लगाए हैं, फसल लगाए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो फिर से अधिक सिंचाई वाला कोई भी पौधा लगाते हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पे जो जमीन है वहां का क्या हो जाता है, वहां जो है वहां पे जो है बहुत ज्यादा नमी होती है, जिसके वजह से उसकी जो उर्वरक क्षमता है वह जो है धीरे धीरे करके कम हो जाती है, क्योंकि जो आपका जो गीला जमीन रहता है उसमें जो है ऑक्सीजन जो है स्टोर नहीं हो पाता। और आपको पता है कि जमीन में जो है क्या चाहिए, यदि हमको जो फसल अच्छे से उगाना है तो उसमें जो है क्या चीज, उसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो जब तक जमीन थोड़ा सा सूखेगा नहीं, जब तक उसमें उसको जो है हम लोग खुला नहीं छोड़ेंगे थोड़ा, तब तक उसमें जो ऑक्सीजन जो है स्टोर नहीं होता, इसलिए हम लोग जो वहां पे क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे जो है कम सिंचाई वाला क्या लगाते हैं, फसल लगाते हैं। अब उसके बाद फिर क्या लगाते हैं, यदि हम लोग जो है कोई नगदी फसल लगाते हैं या धान्य फसल लगाते हैं, ठीक है, नगदी फसल लगाते हैं या धान्य फसल लगाते हैं, उसके तुरंत बाद हम लोगों को क्या लगाना चाहिए, इसके तुरंत बाद हम लोगों को जो है दलहनी या तिलहनी फसल लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह जो है क्या करता है, यह जो है नाइट्रोजन को संचय करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है ज्यादा जुताई वाले पौधे लगाते हैं, तो उसके बाद हम लोग को जो है कम जुताई वाला भी पौधा वहां पे लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे जो है आपकी मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वह जो है क्या होता है, वह जो है बना रहता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को जो है कि यह जो है आपका फसल चक्र जो है वह जो है किसके हिसाब से हम लोग जो है सेट करते हैं, किसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं, तो यह रहता है आपका उस क्षेत्र विशेष के लिए, ठीक है। इसको हम लोग किसके लिए बनाते हैं, एक क्षेत्र विशेष के लिए। जैसे मैं सबसे पहले एक फसल चक्र तैयार करता हूं 3 वर्ष का एक संचित क्षेत्र के लिए, संचित क्षेत्र के लिए। तो यार मैं संचित क्षेत्र के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने जो है बैद हुए यहां पर लगाया, प्रथम वर्ष में मैं यहाँ पे जो है लगाता हूँ, वह क्या कुआ कौन कौन सी फसल है आपके पास में, चलो ठीक है मैंने सबसे पहले लगा दिया यार यहाँ पे धान लगाया। और धान के अब तुरंत बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है आपको पता है कि धान जब लगाया तो वो क्या कर लिया, पूरा नाइट्रोजन को जो है संचय कर लिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए, इसके बाद मेरे को जो है एक दलहनी फसल या तिलहनी फसल लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है या फिर चना के साथ साथ जो है मैं तीसी की भी खेती कर सकता हूँ, तीसी की भी खेती कर सकते हैं। और क्या होगा, अब जैसे ये जो है आपका चना कटेगा तो फिर अब मैं जायद फसल में जो है जौ या मसूर की जो है खेती कर सकता हूँ। किसकी खेती कर सकता हूँ, जौ या मसूर की खेती कर सकता हूँ, कौन से वर्ष में, प्रथम वर्ष में, ठीक है। अब बात करता हूं अब मैं जो है द्वितीय वर्ष का,
फिर द्वितीय वर्ष में क्या करूंगा? देखो अब द्वितीय वर्ष में अब हम लोगों को क्या करना है, फसल को बदलना है। तो अब मैं फसल को बदलूंगा तो मैं धान की जगह यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे जो है ज्वार लगा सकता हूँ। ज्वार के बाद फिर और हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे जो है अरहर की खेती कर सकते हैं, अरहर की खेती कर सकते हैं। या फिर इसके बाद फिर हम लोग जो है परती की भी जो है क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे अब हम लोग क्या करेंगे, तृतीय वर्ष में फिर से हमको क्या करना है, अपने फसल को जो है फिर से बदलना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है मक्का की खेती कर देता हूं, मक्के की खेती करेंगे। मक्के के बाद में फिर अब हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे ही मक्के की कटाई होगी फिर हम लोग जो है चना या मसूर जो है फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं, चना या मसूर जो है फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं। चना या मसूर की कटाई के बाद फिर अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है फिर से जौ की खेती कर सकते हैं, जौ की खेती कर सकते हैं। ये तो हो गया किसके लिए, आपके संचित क्षेत्र के लिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं, सॉरी ये जो है आपका असंचित क्षेत्र के लिए, सॉरी यह जो है आपका असंचित क्षेत्र के लिए है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सिंचित क्षेत्र के लिए, जहां पे जो है सिंचाई का जो है एक उचित साधन होगा। तो ऐसे क्षेत्र में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है मैं ज्यादा पानी चाहने वाला जो है पौधा लगा सकता हूँ। तो मैं जो है बाय द वे, चलो ठीक है, मैं जो है फर्स्ट ईयर में पहले साल में यहाँ पे क्या लगाया, पहले साल में मैंने जो है यहाँ पे धान की खेती किया। धान के तुरंत बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से हम लोग जो है चना की खेती कर सकते हैं। ठीक है, चना के तुरंत बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है मक्के की खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जो है सिंचाई का उचित साधन है। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अब दूसरे साल में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले धान की खेती करूंगा, धान के साथ साथ में फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर गेहूं की भी खेती कर सकता हूँ। गेहूं के बाद में फिर मैं किसकी खेती करूंगा, गेहूं के बाद में फिर जो है फिर से परती जो है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो है फिर से खेती यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंचाई की साधन है। अब तीसरे साल में मैं क्या करूंगा, तीसरे साल में मैं जो है यहाँ पे फिर से धान लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पानी ऑलरेडी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर दूसरे साल में मैं क्या, उसके बाद फिर मैं इसको जो है काटने के बाद फिर क्या करूंगा, इसको काटने के बाद चाहूं तो मैं आलू की भी खेती कर सकता हूँ, क्योंकि आलू में भी जो है क्या, किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, पानी की जरूरत रहती है। फिर इसको मैं काटूंगा, फिर इसके कटाई करने के बाद, मतलब इसको जो है निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, मूंग या उड़द की जो है खेती हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया आपका सिंचित और असिंचित भूमि के बारे में। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं, वो है आपका संसाधन संपन्न क्षेत्र के लिए, संसाधन संपन्न क्षेत्र के लिए। तो संसाधन संपन्न क्षेत्र में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है मक्के की खेती करता हूं, सबसे पहले ईयर मैं क्या करूंगा, मक्का का खेती करता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा धान वगैरह की जो है उतनी जरूरत नहीं है जितने की क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, संसाधन है। ठीक है, हर चीज का संसाधन। तो हम लोग क्या करेंगे, मक्के की खेती कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है तोरी, या फिर तोरी के साथ साथ हम लोग जो है चाहे तो यहाँ पे गेहूं की भी खेती कर सकते हैं। गेहूं के बाद फिर हम लोग जो है फिर से मूंग या उड़द की भी खेती यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो है क्या है, यह जो है आपका कौन सा क्षेत्र है, संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब फिर सेकेंड ईयर में हम लोग जो है फिर से दूसरे साल में फिर से हम लोग जो है मक्का की खेती करेंगे। मक्का के बाद में फिर किसकी खेती करेंगे, मक्का के तुरंत बाद में हम लोग जो है फिर से आलू के बाद में फिर से हम लोग जो है मूंग की खेती यहाँ पे फिर से कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा जो है आपका हम लोग जो है, और तीसरे साल में आप यहाँ पे हम लोग जो है धान की भी चाहे तो खेती कर सकते हैं। ठीक है, धान के साथ में अब हम लोग क्या करेंगे, धान के साथ में जो है गेहूं की खेती करते हैं इसके जस्ट बाद में। अब गेहूं के बाद में फिर अब हम लोग किसकी खेती करेंगे, मक्का की भी खेती यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो जमीन का जो है उर्वरक क्षमता जो है, खेत की जो उर्वरक क्षमता रहेगी वो जो है क्या रहेगा, बना रहेगा। अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ तीसरे साल की, नेक्स्ट जो है आपका टाइप का, नेक्स्ट क्षेत्र का, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक खेती वाली क्षेत्र के लिए, व्यावसायिक खेती वाली क्षेत्र के लिए। ठीक है, मतलब व्यावसायिक खेती मतलब वहां जो है क्या करेगा, वहां जो है नगद फसल उगाएगा।
तो नगद फसल उगाएगा तो सबसे पहले साल में उसको क्या क्या लगाना है, जैसे कि आपका जो है खरीफ क्रॉप का टाइम है, खरीफ फसल का दिन है, उसमें वो जो है क्या करेगा, मक्के की खेती लगाएगा। मक्का के तुरंत बाद में फिर और दूसरा नकदी फसल क्या लगा सकता है, वह जो है आलू लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर सकता है, वहां जो है फिर से तीसरा नगद फसल वहां जो है प्याज को भी उगा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे साल की, दूसरे साल में फिर से क्या करेगा, वहां जो है मक्का लगाएगा। मक्का के बाद में फिर क्या कर सकता है, वहां जो है दूसरे साल में फिर से आलू की भी खेती कर सकता है। आलू के बाद में फिर वहां जो है किसकी खेती कर सकता है, इसके साथ साथ में वह जो है गन्ना की भी खेती कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे साल की, तो फिर तीसरे साल में वहां जो है क्या कर सकता है, गन्ना आपका ऐसा खेती है जिसको वहां जो है खरीफ क्रॉप्स के टाइम पे भी क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो यहाँ पे वहां जो है गन्ना लगा लेगा, और इसको गन्ना की कटाई के बाद इसको जो है रबी क्रॉप्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आपका जो है यहाँ पे भी वह क्या कर सकता है, गन्ना लगा सकता है। इसके तुरंत बाद चाहे तो इसको वहां जो है वह काट के जो है मूंग या उड़द भी वह जो है लगा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों, अब हम लोग को इसका जो क्रम है, मतलब हम लोग जो है कौन से फसल को रबी क्रॉप्स में, कौन से फसल को जो है खरीफ क्रॉप्स में, और कौन से फसल को जायद क्रॉप्स में लगा सकते हैं, बस हमको क्या करना है उसको ध्यान रखना है। और हम लोगों को बस वही चीज ध्यान रखना है इसमें जो है लगाने से पहले कि जैसे जहां पे ज्यादा जुताई होता है उसके तुरंत बाद कम जुताई चाहने वाला, ठीक है। जहां पे ज्यादा सिंचाई वाला है उसके बाद ज्यादा सिंचाई हो गया उसके बाद फिर कम सिंचाई चाहने वाला, ठीक है। और जिसके बाद फिर ज्यादा पोषक तत्व तो चाहने वाला है तो फिर उसके तुरंत बाद में फिर कम पोषक तत्व तो चाहने वाला, इसी क्रम पे जो है क्या करना है हम लोग को जो है खेती करना है। क्यों क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है आपका जो है खेत की जो उर्वरक क्षमता रहेगी वो क्या होगा, बना हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये जो है आप लोग जो है इसको चाहो तो आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद अब हम लोग जो है चलते हैं अपने आगे वाले टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है आपका क्रॉपिंग पैटर्न, जिसको हम लोग जो है फसल पद्धति के नाम से जानते हैं। फसल पद्धति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न आपका, फसल पद्धति जो है यह जो है अलग अलग, जैसे कि क्या है हमारा, जैसे कि कोई भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में जो है अलग अलग जलवायु पाया जाता है, अलग अलग वहां का जो है मौसम पाया जाता है। मौसम और जलवायु के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहां पे जो है हम लोग जो है अलग अलग प्रकार की जो है फसलों की खेती करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है एक अलग अलग पैटर्न में करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी परिभाषा की बात करूं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, किसी क्षेत्र विशेष पर एक वर्ष में लगे क्रमिक फसल तथा फसलों के प्रति भूमि के अनुपातिक रकबा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है फसल पद्धति के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि क्या होगा, यदि किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि क्या है यार, गन्ना की खेती या तिलहन की खेती या कपास की खेती क्या होता है, वह जो है ज्यादा होता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाएगा, वहां पे ज्यादा, जैसे कि गन्ने की खेती हो रहा है तो फिर चीनी उद्योग, यदि कपास की खेती हो रहा है तो फिर सूती वस्त्र उद्योग, और या फिर क्या होता है हो रहा है, यदि वहां पे जो है तिलहन की खेती हो रहा है तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है तेल के भी जो है कारखाने जो है वहां पे बने होंगे। यदि ऐसे फसल की अधिकता है जहां असंचित क्षेत्र में ही ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसी फसल की अधिकता है जो असंचित क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या सोचेंगे कि उस क्षेत्र में जो है सिंचाई का जो है संतोषजनक कोई साधन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब उस क्षेत्र में जो है सिंचाई का संतोषजनक साधन नहीं होगा तभी वहां पे कैसे फसल लगाया जाएगा, तभी वहां पे ऐसे फसल लगाया जाएगा जो असंचित क्षेत्र में होता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह जो है आपका फसल पद्धति जो है क्या है, आपका एक जो है चित्र है जो क्या करता है, जो किसी क्षेत्र विशेष की रूपरेखा को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं बात करता हूँ यार, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो मोस्टली जो खेती है वह जो है सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे डिपेंड करता है, ठीक है, मानसून पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो बारिश जो है ना तो ज्यादा होती है ना तो कम होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जो है जब यहाँ पे जब खरीफ क्रॉप्स की टाइम होती है, ठीक है, खरीफ फसल की टाइम होती है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किसकी खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। क्यों,
क्योंकि धान जो है एक ऐसा फसल है जो ना तो ज्यादा पानी की उसकी जरूरत होती है ना तो कम पानी की, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ के मौसम की, तो यहाँ का जो मौसम है वो कैसे मौसम है, यहाँ का जो मौसम है वह शुष्क नम मौसम है। तो यहाँ जो है धान की खेती के लिए क्या रहता है, यह जो है धान की खेती के लिए बहुत अच्छा वेदर रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स की, ठीक है। रबी क्रॉप्स में हम लोग हमारे यहाँ क्या होता है, छत्तीसगढ़ में जो है ज्यादा बारिश नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है कम पानी चाहने वाले फसल, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यार यहाँ पे गेहूं और चना, इन सब चीजों की क्या करते हैं, गेहूं चना मसूर इन सब चीजों की हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे खेती करते हैं। और बात करते हैं जायद फसल की, तो जो छत्तीसगढ़ है वहां पे जो है क्या होता है, गर्मी के दिन में बारिश जो है ना के बराबर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जिसके पास में सिंचाई की साधन है वह जो है चाहे तो मूंग या उड़द की जो है क्या कर सकता है, यहाँ पे जो है खेती कर सकता है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं किसके, असम की, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम वह ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वर्ष भर बारिश होते रहती है, और जब वर्ष भर बारिश होते रहती तो फिर वहां पे सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, वहां पे जैसे कि चाय है, कोक है, इन सब चीजों की क्या होती है, वहां पे जो है खेती होती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो है वहां का जो क्रॉप का जो पैटर्न है, ठीक है, वहां का जो पद्धति है वहां क्या हुआ, वहां पे जो है अलग होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ का जो फसल का जो पद्धति है वह क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ जो है फसल पद्धति क्या होता है, वह जो है किसी क्षेत्र विशेष के लिए होता है, और वह जो है क्या करता है, वह जो है किसी क्षेत्र विशेष की एक रूपरेखा को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा जो टॉपिक है जो हमको पूछा जा सकता है वह है आपका फसल तीव्रता, जिसको हम लोग जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, फसल तीव्रता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके पास में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको मैं जो है आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, इससे पहले मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल तीव्रता क्या होती है, ठीक है। यह जो आपका जो फसल तीव्रता है यह जो है इस बात की गणना करती है कि कोई फसल प्रणाली, मतलब कोई फसल प्रणाली कितनी व्यापक है। यह जो है फसल तीव्रता जो है क्या चीज की गणना करती है कि कोई जो फसल प्रणाली है वह कितना व्यापक है, या फिर कोई क्षेत्र विशेष पर कितना सघन खेती किया जा रहा है, ठीक है। मतलब देखो जैसे कि यह जो है आपका एक क्षेत्र विशेष है, यह आपका एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत पर जो है कितनी सघन खेती की जा रही है, कितनी सघन खेती का मतलब क्या है कि जैसे कि ये खेत है, चाहे तो हम लोग जो है यहाँ पे साल भर में एक ही बार क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पे तीन बार भी खेती कर सकते हैं। जब तीन बार हम लोग खेती करेंगे तो इसकी जो उपज है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो उपज है वह जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। जब इसकी उपज बढ़ जाएगी तो यहाँ का जो खेती हुआ, ठीक है, वह जो है क्या हुआ, वह जो है ज्यादा सघन होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यह जो है यही दर्शाता है कि यह जो है कितना सघन खेती वहां पे किया जा रहा है। किसी क्षेत्र विशेष पर कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है फसल तीव्रता के नाम से जानते हैं। यह एक लाइन का डेफिनेशन है दोस्तों, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे तो पूछा जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष पर एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है फसल तीव्रता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फसल तीव्रता को यदि हम लोग को जो है जब परसेंटेज में दर्शाना रहता है, फसल तीव्रता को हम लोगों को जो है परसेंटेज में दर्शाना रहता है, फसल तीव्रता परसेंटेज में इसको दर्शाना है, तो इसको हम लोग जो है क्या लिखते हैं, एक वर्ष में उगाई गई फसलों की कुल रकबा, एक वर्ष में उगाई गई फसलों की कुल रकबा डिवाइड बाई कुल कृषिगत क्षेत्र, कुल कृषिगत क्षेत्र मल्टीप्लाई 100। यह जो है आपका फॉर्मूला है फसल तीव्रता की।
ठीक है, यहाँ से भी जो है क्या होता है आपके पास में जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ इससे सबसे पहला जो क्लास है उसमें मैं जो है थोड़ा सा जीडीपी के बारे में आप लोगों से जो है डिस्कस किया था। तो देखो यार जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मतलब द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री अंडर देयर जियोग्राफिकल बाउंड्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में, ठीक है, जैसे ये कोई देश है, इस देश के जो है भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में जो है क्या होता है एक वित्तीय वर्ष में जितना प्रोडक्शन होता है वह क्या कहलाता है, उसका जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यार कि यह क्या है, यह जो है इसकी एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र है तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो है तीन बार हो सकता है फसल लगाया गया हो। ठीक है, या तो एक बार जो है कम एरिया में, दूसरे बार ज्यादा एरिया में, या फिर तीसरे बार क्या होगा कम एरिया में जो है फसल लगाया गया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उतने ही भौगोलिक क्षेत्र में वो क्या किया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है क्या कर लिया। तो जब ज्यादा प्रोडक्शन कर लेगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ अंतर्वर्ती फसल की, तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अंतर्वर्ती फसल के बारे में हम लोग पढ़े, तो अंतर्वर्ती फसल में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे हम लोग जो है दो या दो से अधिक फसल को जो है लगाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक फसल को लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोग जो है वहां पे जो उसकी जो खेत की जो खेत का जो टोटल जो एरिया है उसको हम लोग जो है एक ही बार काउंट करेंगे, उसको हम लोगों को क्या नहीं करना है, वहां पे हम लोगों को जो है उसको डबल काउंट नहीं करना है, लेकिन फसल जो है क्या होगा, फसल जो है वहां पे जो है दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका जो है उगाई गई फसल का जो कुल रकबा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो कृषिगत क्षेत्र है वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यह जो है क्या होगा, जितना ज्यादा हम लोग वहां पे फसल लगाएंगे तो वहां जो है क्या करता है, उस क्षेत्र विशेष की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, और क्या होगा, जैसे कि कहीं पे जो है जब सिंचाई की जो कमी होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है फसल तीव्रता जो है ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है एक न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखो जैसे कि आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है एक कि जैसे कि कोई एक किसान है, किसी किसान के पास में 100 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, किसी किसान के पास में टोटल जो उसके पास में जो खेत है वह कितना है, 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर खेत है उसके पास में, खेत कितना है, 100 हेक्टेयर। अब वहां क्या कर रहा है, प्रथम टाइम में मैं बात करूंगी खरीफ की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ खरीफ का, तो खरीफ के टाइम पे वह जो है क्या करता है, 90 हेक्टेयर भूमि पे वहां क्या किया, कृषि किया। अब वहां दूसरी बार में जब रबी क्रॉप्स लगाता है तो रबी के टाइम पे वहां क्या करता है, रबी के टाइम पे वहां जो है 80 हेक्टेयर जमीन पे खेती करता है। और तीसरी बार अब जब वहां जो है जायद फसल में जो है क्या करेगा, फसल लेगा, तो वह जो है क्या करेगा, वह जो है 40 हेक्टेयर खेत में क्या कर रहा है, वहां जो है फसल लगा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है उस प्रक्षेत्र में या उस भूमि पे जो है उसकी फसल तीव्रता कितनी होगी। तो दोस्तों आप देखिए फसल तीव्रता को जो है जब परसेंटेज में निकालना है तो मेरे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा यार, तीनों को जो है जोड़ दूंगा। बोला गया एक वर्ष में उगाई गई फसलों की कुल रकबा, तो कुल कितना हो जाएगा, खरीफ में भी लगाया है, रबी में भी लगाया है, जायद में भी लगाया है, लेकिन आपका जो खेत है वह क्या है, खेत तो आपका 100 हेक्टेयर ही है ना, एक ही बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है तीनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 90 प्लस 80 प्लस 40 डिवाइड बाय कुल कृषिगत क्षेत्र, तो एक बार 100 है, दूसरे बार 200 है, तीसरे बार 300, ऐसे कुछ होगा क्या, खेत आपका फैलता है क्या, नहीं फैलता, खेत तो जितना है उतना ही रहेगा ना। तो खेत को हम लोग क्या करते हैं, जितना है उतना ही लेके, चाहे उसमें तीन बार फसल ले सको, चाहे उसमें आप जो है चार बार फसल ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 हेक्टेयर का जो है 100 ही हेक्टेयर रहेगा। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, यदि मेरे को परसेंटेज में पूछता है तो यहाँ पे मैं जो है मल्टीप्लाई हंड्रेड करूंगा इसलिए, तो फिर ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 210%। और यदि इसी को मैं बात करता हूँ किसके बारे में, कुल तीव्रता या फिर फसल तीव्रता के बारे में। ठीक है, फसल तीव्रता कितना परसेंट होगा ये पूछा जाएगा आपका, तो फिर कितना होगा वह जो है, वह आपका 210 होगा। लेकिन सिर्फ वह जो है आपको परसेंट में नहीं दिया है, आपको वह जो है पॉइंट में दिया है, ठीक है, नंबर में दिया है, और वहां जो है आपको परसेंट नहीं पूछा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है 210 में जो है 100 आप जो है डिवाइड कर दो। ठीक है, 100 डिवाइड कर दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2.1, या जो है आपका क्या होगा,
यह जो है आपका फसल के वृद्धा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आज का हमारा ये जो वीडियो है वह जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और जब आपको जो है पसंद आया तो आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग जो है बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों यह टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को जो है जो भी डाउट होगा वह नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका आपका जो डाउट है वह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर करा दिया जाएगा। तो अब दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।